भाई ये रहे अपने धार्मिक राइडर। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं करने क्या वाला हूँ। सो भाई आज मैं अपनी टीवीएस सेंट्रो का फुल टंकी करके आज माइलेज चेक करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ आज नोएडा। तो सोचा मैं नोएडा जा रहा हूँ, और नोएडा क्यों जा रहा हूँ वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। सो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने टंकी फुल करा चुका हूँ, ये देखो पूरी है। और एक सेकेंड मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि स्पीडोमीटर में मैंने ये देख रखते हैं, मैंने ए वाला बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने नोएडा की तरफ, और भाई देखते हैं इसका क्या माइलेज आता है फुल टंकी में। सो भाई प्लीज़ पूरी वीडियो देख के जाना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देना। आप देख रहे हो चल चुकी है 136 किलोमीटर, और देखो अभी भी ट्रिप ए है, मैंने कोई पेट्रोल नहीं डाला है। और भाई देखो दो डंडी लग चुकी है, अभी रिजर्व में नहीं आई है। सो गाइस अभी मैं घर पहुंचा हूं जस्ट, और ये देख लो मेरी स्कूटी रिजर्व में लग चुकी थी कुछ 26.2 किलोमीटर पहले। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये टोटल कितनी चली है। तो भाई ये देख लो ये चलिए 170.3, अभी भी इसका तेल ख़त्म नहीं हुआ है। सो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं करूँगा, अभी कल मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता हूँ काम से। और भाई मैं सही बताऊँ तो भाई से बिल्कुल सही लग रहा है ये एवरेज, बिल्कुल सही एवरेज दे रही है। आप बताना कमेंट में अभी कितनी मतलब कितना सही दिया है। सो अभी मुझे लगता है ये कुछ 25-30 किलोमीटर और चलेगी, लेकिन मैं डिग्गी में अभी 1.5 लीटर का वो फ्यूल लेके घूम रहा हूँ सुबह से ही। सो अभी कल मिलते हैं, और फिर मैं दिखाता हूँ यार कितनी चल पाएगी है, सीधा कल ही मिलते हैं फिर आपसे। सो गाइस आज हमारा सेकंड डे, जिस दिन मैं इसका फ्यूल टेस्ट करने वाला हूँ ये फुल टंकी में कितनी चलती है। देख लो भाई अब चल चुकी है 28.3, जब मैंने इसको कल रात ऑफ किया था ये था 26 कुछ था, और देख लो अभी भी रिजर्व में है। और भाई 1.5 लीटर की बोतल मेरे बूट में रखी हुई है। सो अभी मैं जा रहा हूँ एम्बियंस की साइड, और भाई अब मैं आपको जब ही मिलूँगा जब ये 50 टच कर जाएगी। के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और भाई ये देख लो ये चल चुकी है 49.3, और अभी भी स्कूटी स्टार्ट है। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, अभी मैं इसको ट्रिप पे दिखाता हूँ आपको कितनी चल चुकी है ये। तो भाई ट्रिप पे मैं चल चुकी है 193.4, अभी भी स्टार्ट है, अभी देखते हैं भाई कितना और जाती है। अभी वापस जा रहा हूँ गुड़गांव की तरफ, मैं यू टर्न लेके वापस आ चुका हूँ, क्योंकि सीधा जाता दिल्ली की तरफ यहाँ पर जाम लगा रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा, देख लो वो रहा है एम्बियंस। तो अभी देख लो इतनी चल चुकी है, अब देखते हैं भाई कितने में पेट्रोल इसका ख़त्म होगा। तो भाई जैसे अब पेट्रोल सीधा खत्म होगा ना मैं आपको जब ही मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली अब मेरी स्कूटी बंद पड़ चुकी है, अगर आप देखना चाहते हैं कितने में बंद हुई, ये हुई है 70.5 पे बंद, ये रिजर्व में चली है इतना। और मैं दिखाऊँ ये ए में कितना चली है, ये चली है 214.6। और भाई अगर इसी हिसाब से अगर हम एवरेज निकालें पूरी मतलब 5 लीटर में कितना चली है, सो मैंने अभी देखा है ये देख लो 215/5 43। सो भाई ये चलिए पूरे 5 लीटर में मतलब कुछ 215 कुछ किलोमीटर, और अगर पर लीटर का एवरेज निकालें सो ये भाई ये चलिए 43 किलोमीटर। यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है ये इतनी चल चुकी है, मतलब 1 लीटर में इतना बढ़िया इसने माइलेज दिया है। और वो भी मैं बता दूं ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल जैसे मैं आपने देखा था कि मैं बता रहा हूं नोएडा जा रहा हूं, तो भाई एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके पीछे मैं नोएडा गया था। और मैं इसको आप जैसे मैंने आपको बोला था मैं धीरे चलाऊंगा, लेकिन यार ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका था, तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो फिर मैं इसको बहुत गंदी तरीके से मतलब जैसे ऐसे नॉर्मल बंदा चलाता है ना बिना एवरेज देखे ऐसे चला रहा था, पूरी मतलब थ्रोटल जितनी स्पीड जा रही है जान दो, मतलब ऐसे एवरेज को ना देख के चला रहा था। फिर भी उसके हिसाब से भी यार इतना एवरेज बढ़िया एवरेज इसने दिया है, तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। और आप भी बताना यार आपकी स्कूटी कितना एवरेज देती है 1 लीटर में, और फुल टंकी का अगर किसी ने कराओ तो यार वो भी बताना। तो आप बताना यार इतना बढ़िया एवरेज आपको कैसा लगा। और मैं सीरियसली बताऊँ अगर मैंने प्यार से भी चलाई हो तो कुछ 10-15 किलोमीटर ही चलाई होगी, बिल्कुल आराम से चलाई है। नहीं तो यार बाकी तो अभी भी जब मैं इसका टेस्ट कर रहा था तो भाई मैंने इसको
बिल्कुल प्यार से नहीं चलाया, मतलब थ्रॉटल दे रहा हूँ, कभी ब्रेक लग रही है, क्योंकि जैसे नॉर्मल बंदा चलाता है ना बिना एवरेज देखे, क्योंकि भाई मेरे को बहुत लेट हो चुका था इसलिए, तब भी इसने इतना बढ़िया माइलेज दिया है, तो यार इसके लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी। अभी भी मैं धूप में घूम रहा था, शोर मचान लग रहे हैं सारे, तो अभी भी मैं धूप में घूम रहा था, पूरी यार गला सारा जल चुका हूँ, हाथ वात यार, प्लीज़ इसके लिए लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और यार किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो यार मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका जाके ज़रूर फॉलो कर लेना यार प्लीज़। और भाई इसकी जहाँ पे मैं नोएडा क्यों गया था उसकी भी एक नई वीडियो आने वाली है, सो इस जस्ट वीडियो, इसके बाद वो वीडियो आएगी, तो अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लव यू गाइस। तो भाई अभी भी दिखा देता हूँ, ये थोड़ी बहुत स्टार्ट हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही, देखना अभी स्टार्ट होगी नहीं होगी पता नहीं, अभी तो इसने स्टार्ट भी होना बंद कर दिया, ठीक है देख लो ये सब कुछ ऑन है, ठीक है भाई। अब मैं इसमें तेल डालता हूँ फिर घर निकलता हूँ।